जय गुरु। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं खगड़िया सत्संग विहार की ओर से श्री ठाकुर जी का 134वां जन्म महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में और इस वर्चुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी श्री ठाकुर जी की भावधारा, उनकी जीवनी नीति और जीवन में बचने बढ़ने की नीति को शरीर के लिए उपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी चीज़ों को जो इस डॉक्टर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानने की, समझने की, सुनने की कोशिश करेंगे। आइए हम सभी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लें, इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस भावधारा को, इस विचार को लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम सबों के बीच में हैं डॉक्टर प्रिंस, डॉक्टर ट्विंकल जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अमूल जो एक डेंटल सर्जन हैं, मैं एज ए फिजिशियन पटना में प्रैक्टिस करता हूं और हम लोगों के बीच में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर विवेक। तो सब तरह की पैथी से हम लोग रूबरू होंगे। ठाकुर जी की जो नीति विधि है वो क्यूरोपैथी की है। हम लोग क्योर कैसे रहें, जीवन में कैसे निरोग रहें, इसकी व्यवस्था, इसके लिए हमें जो कर्म करने चाहिए उस कर्म को जानने की, समझने की और अपने आचरण में लाने की जरूरत है। तो आइए पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या, कौन सी ऐसी नीति विधि है, कौन से ऐसे आचार आचरण है, हमारा खान पान है, अलग अलग डिजीज में, अलग अलग बीमारियों में क्या हम सावधानी रखें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा निरोग रह सकें, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रह सकें। परम प्रेम मय परम दयाल कुल अवतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेम मय परम दयाल कल के अवतार रुगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल के अवतार रुगावतार श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगजनि श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री बौरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मार परसकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य परब्रह्म नौमी सभी दादा और माँ को मेरा जय गुरु। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने कामों से हटकर आज ठाकुर के बारे में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसे मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दयाल के बारे में मुझे कुछ वक्तव्य बोलने का मौका मिला है। सभी के जीवन में गुरु का होना, परम पिता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं अपने अनुसार होना कोई जरूरी ना हो, वो हो। अगर परमपिता हमारे साथ रहेंगे तो हमारे लिए जो बेहतर होगा वही होगा। जिस तरह हमें सावन में एक छाता की जरूरत होती है, बरसात में एक सीजनल छाता की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे जीवन में एक परमपिता के छत्र छाया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कि उनके बिना अगर हमारे साथ, हमारे ऊपर ठाकुर जी का आशीर्वाद, हमारे ऊपर ठाकुर जी की छत्र छाया नहीं होगी तो हमें गली में घूमते हुए लवारिस कुत्तों की तरह इधर उधर जीवन भर भटकते रह जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए ठाकुर रूपी नाम का, ठाकुर रूपी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। मैं चिकित्सा से जुड़ा हुआ तो मैं इसी की एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक डॉक्टर दादा थे, वो अपनी पहली बार क्लिनिक खोलना चाहते थे तो सोचे कि देवघर जाके ठाकुर जी से हम आशीर्वाद ले लेते हैं और वो क्लिनिक खोलना चाहते थे। तो देवघर में उसमें बहुत भीड़ थी, वो ठाकुर जी से मिलने गए। लेकिन देखिए दयाल की क्या कृपा है, दयाल का क्या सोच है, वो आपके लिए जितना अच्छा हो सकता है वही सोचते हैं। वो इतनी भीड़ थी, वो ठाकुर जी से मिल नहीं पाए, ठाकुर जी से मिल नहीं पाए और जब ठाकुर जी उनसे सामूहिक रूप से मिलना नहीं चाह रहे होंगे तो बहुत निराश हो गए। उनको अगले दिन, एक दिन बाद क्लिनिक भी खोलना था तो फिर निराश होकर लौटने लगे। लेकिन ठाकुर जी जो देखिए उनसे शाम के टाइम, वो ठाकुर जी अचानक उनके गेट पर मिल गए। अब उनको अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए। ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी हम अपना एक क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आए थे। तो ठाकुर जी बोले तुम तो मानुष मारने का डॉक्टर बन गया। तो डॉक्टर साहब अचंभित रह गए, सोचे ठाकुर जी क्या बोल दिए। फिर ठाकुर जी बोले जाओ तुम क्लिनिक खोलो। वो दादा घर गए, रात भर उन्होंने सोचा क्या बोले। लेकिन अगले दिन उनको ठाकुर जी सपने में आए, सपने में बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो कल पहला पेशेंट आएगा उससे तुम जो फीस देंगे वही ले लेना, उनको कुछ बोलना मत,
नहीं देंगे फिर भी ठीक है। तो संयोग से क्या हुआ, अगले दिन एक माँ और पिताजी एक छोटे बच्चे को लेकर उन दादा के पास आए। दादा ने उनका सब चीज़ चेकअप वगैरह किया तो सब चीज़ नॉर्मल था। बोले कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है, कुछ दो तीन दिन दवाई लिख रहे हैं, आप उनको दवाई दीजिए। और दवाई दे के वो चले गए। दो तीन दिन के बाद ठाकुर जी फिर उनको सपने में आए। अब बोले उन जो बाबू आपका पहला पेशेंट आया था उसके घर पे जाइए, उनको चेकअप कीजिए, उनको 100 रुपया दीजिएगा और बोलिएगा इनको अस्पताल में भर्ती करवा देने के लिए। दादा उसी तरह किए, उनके घर पे गए। घर पे गए तो उनके माता पिता देख के बोले डॉक्टर साहब अपने से आप कैसे आ गए, आप हमको बोलते हम आ जाते। तो वह गए सब चीज़ चेकअप किए तो माता पिता बोले दादा सब चीज़ ठीक है, पहले से बहुत सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी के कहने अनुसार दादा बोले इनको आप अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन और फिर 100 रुपया भी दिए जबरदस्ती, ऐसा क्या क्यों बोल रहे हैं। लेकिन वो डॉक्टर साहब बोले थे तो वह माता पिता उनको अस्पताल में भर्ती करवा दी। अब 2 से 3 दिन के बाद वो बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे में कुछ ज़्यादा सिम्टम नहीं था। डॉक्टर साहब उनको अपना ट्रीटमेंट चला रहे थे, अगर उनके पास रहता मृत्यु होती तो सोचिए पहला पेशेंट था कैसा इम्पैक्ट पड़ता उनका, कैसा कलंक लगता। लेकिन दयाल खुद उनको आके सपनों में आके उनको मार्गदर्शन किए, उनको बोले तो आज सब दयाल की कृपा से उन पर कलंक लगने से बच गया। क्योंकि ठाकुर जी, हम ठाकुर जी को पकड़ के अगर छोड़ भी देते हैं ना, दीक्षा लेके बहुत लोग ठाकुर जी को छोड़ देते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें कभी नहीं छोड़ते। ठाकुर जी अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, उनकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहती। पहले लॉकडाउन कोरोना की बात है, एक ऋतिक दादा थे, पहले लॉकडाउन के समय कोरोना के समय तो पता ही आप कोरोना कैसा काल चला था, किसी को कुछ उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। दादा को कोरोना हो गया, ऋतिक दादा को इतनी सीरियस हालत ख़राब हो गई कि उनको ICU में भर्ती करना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन दादा ऋत्विक थे, वो दिन रात नाम जप रहे थे। दादा की जो माँ थी उनको देवघर से आदेश आया कि आप दादा को बोलो अजप्पा जाप नाम करें। तो उस समय तो गाड़ी घोड़ा सब बंद था, माँ दौड़ते हुए पैदल दूर थी हॉस्पिटल, वहाँ तक गई, वहाँ जाके पहुँची। तो आप समझ रहे हैं उस समय किसी पेशेंट से किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, टच नहीं करने दिया जा रहा है, कोई किसी की डेथ हो गई तो उसको प्लास्टिक में लपेट के पहुँचा दिया जा रहा है। तो उन बहुत मेहनत करने, डॉक्टर साहब ने नहीं आप नहीं मिल सकते हैं, नर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद नर्स को बस बोली कि आप मेरे हस्बैंड इतने दिन में बैठ पाए, उनको बस कान में इतना बोल दीजिए कि देवघर से आदेश आया है आप अजप्पा जाप नाम करें। दादा उस समय ICU में भर्ती थे, आप तो समझ ही रहे हॉस्पिटल का ऐसा सिचुएशन होता है। खुद का सिचुएशन अगर ठीक है, पास वाले अगल बगल को देख के हम परेशान हो जाते हैं, अगल वाले पेशेंट का डेथ हो गया, उस पेशेंट का डेथ हो गया, उसमें इतना सारा डेथ हो रहा था तो उसको समझ नहीं आता। लेकिन नर्स गई बोली देवघर से आदेश आया है आप नाम करें, अजप्पा जाप नाम करें। और इतनी दादा तो नाम करी थे, वो दिन रात भगवान ठाकुर जी का नाम जाप साधना कर ही रहे थे, मन में प्रार्थना वगैरह कर ही रहे थे। तो आज ठाकुर की दयाल कृपा से उस समय दादा और इतनी दादा बच के आ गए। और उस समय जब ये दोबारा ऑनलाइन सत्संग अटेंड कर रहे थे दादा, तो उस पहले अपने सत्संग में अपनी आप बीती सुनाने से पहले बहुत देर तक रोए। ये बोले कि हम ICU में थे, ठाकुर की क्या भक्तों पे ठाकुर का क्या आशीर्वाद होता है हम उस समय देखें। तो ये हमारे ठाकुर जी का भक्तों के प्रति हमेशा लगाव रहता है। हम लोग कुछ चाहते कि हमारे अनुसार ऐसा हो जाए, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उसमें भी हमें घबरा परेशान नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी आपके लिए उससे कुछ ज़्यादा बेहतर ही सोच के रखे हुए हैं। एक मैं अपनी आप बीती आपको सुनाना चाहता हूँ, पिछले लॉकडाउन की बात है। मैं PMC से पढ़ता हूँ, मैं पटना से घर जा रहा था, अचानक मेरे अंकल हैं उन्होंने फ़ोन किया कि प्रिंस 2-3 दिन से मुझे सूखी खांसी हो रही है और बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह आ रहा है, दवाई खाते हैं तो बुखार चला जा रहा है, फिर लेकिन बुखार हो जा रहा। तो मुझे लगा उस समय लॉकडाउन अप्रैल का समय था, हम बोले अंकल आप पास वाले हॉस्पिटल से एक बार कोविड का जाँच करवा लीजिए। समझो कोविड का जाँच करवाए तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। तो अंकल फ़ोन किए, प्रिंस रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गया है। हम बोले ठीक है अंकल, ज़्यादा आपको सिम्टम नहीं है, आप आइसोलेट हो जाइए, जो भी नॉर्मल उस समय जिथरल डॉक्सीसाइक्लिन विटामिन सी जिंक वगैरह चला था उनको प्रिस्क्राइब किए। बोले आप एक कमरे में आइसोलेट हो जाइए, वहाँ आप घर वालों से अलग होकर रहिए और गर्म पानी वगैरह जो भी नॉर्मल प्रोटोकॉल था उन्होंने बताया फॉलो कर रहे थे। संयोग से 2-3 दिन में उनका तबीयत ऑलमोस्ट ठीक हो गया। लेकिन अंकल एक बिजनेसमैन है, उनका माल आ रहा था पटना से। संयोग से उस समय आंटी कुछ काम के लिए हॉस्पिटल में गई थी वैक्सीन वगैरह लेने के लिए। तो अंकल कुछ देर के लिए बस बालकनी में जाके माल को डिक्टेट करने लगे ऊपर से ही।
अब ऐसा हुआ, उस दिन के बाद अंकल की फिर से जो तबीयत खराब हुई, अगले दिन उनको बुखार आया, बुखार उतर ही नहीं रहा है। फिर हमको बताया, फिर अपने मेडिसिन वाले सीनियर से बात उत किए, तो उनको कुछ नया प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड वगैरह की जरूरत पड़ी, उनको मेडोल वगैरह प्रिस्क्राइब किए, उनका बुखार ठीक हो गया। लेकिन अगले दिन पूरा चेस्ट पेन हो रहा है, खांसने पर बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था, चेस्ट पेन हो रहा था, उनको बिडोसोनाइड वगैरह कुछ इनलेशनल स्टेरॉइड वगैरह प्रिस्क्राइब किए, अगले दिन चेस्ट पेन ठीक हुआ, लेकिन अगले दिन उनको खांसी नहीं रुक रहा था। अब एमोक्सिक्लेव एंटीबायोटिक वगैरह कुछ प्रिस्क्राइब किए, तो अगले दिन खांसी में कुछ सुधार हुआ, तो उनको अब लूज मोशन हो गया। अब लूज मोशन हो गया तो आप जान ही रहे, लूज मोशन होता तो पूरा वीकनेस वगैरह हो जाता था, आपके शरीर में पानी की इलेक्ट्रोलाइट की कमी आती। अब संजोग से उनको डायबिटीज भी था, तो अब ज़्यादा आप ORS भी नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ORS वगैरह पिया, गर्म पानी वगैरह पिया, तो वीकनेस वगैरह ठीक हुआ। लेकिन अब हम पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह, सबसे थर्मामीटर वगैरह दे चुके थे उनको, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगा। अब हमको उस समय इतनी हालत ख़राब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी ये ठीक हो रहा था, वो ठीक हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना मेंटली टेंशन का वक्त था। लेकिन ठाकुर जी हमको क्या बोले कि अब इनको यहाँ नहीं रखना है, अब इनको सीधे पटना भेज दो। तो पटना में बहुत सारा हॉस्पिटल है जान पहचान, हम अपने अब सीनियर के एक हॉस्पिटल है दानापुर में, उनको वहाँ हम, उसमें ऐसी हालत थी पिछले समय, हॉस्पिटल में बेड मिलना, आपको पता है आप लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिलना, वेंटिलेटर मिलना, ICU में बेड मिलना, ऑक्सीजन मिलना, इतना दिक्कत हो रहा था। लेकिन ठाकुर की कृपा से उनको सब चीज़ फ़ोन पे ही हमने वेट वगैरह लेवल करवा दिया। अंकल वहाँ रातों रात वहाँ पहुँचे, उनका सिचुएशन 85 के आसपास पहुँच चुका था, वहाँ पहुँचे, बहुत से हमने बात की सीनियर से, उनको एडमिट करवाया, ऑक्सीजन वगैरह लगा। अगले दिन फिर सीनियर से बात करके उनको हमने ICU में शिफ्ट करवाया। वहाँ के जितने भी मेडिसिन के, कोविड के डायरेक्टर जो भी थे, सब मेरे डॉक्टर PMCH के थे, तो सब मेरी जान पहचान थी, लगातार फ़ोन पर बात हो रही थी। इतना टेंशन का माहौल था कि अब जान ही रहे हैं अगल वाला पेशेंट मर जा रहा है, इतना बड़ा है, उनको ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, लोग हॉस्पिटल में देख के उनका हालत ख़राब होता। लेकिन ठाकुर की कृपा से, सबसे जान पहचान थी मेरी, तो जितना भी जांच वगैरह हो रहा था सब हमको मोबाइल पे आ जाता, CT स्कैन वगैरह सब चीज़ आ जा रहा था, और उनको सारा सुविधा ठाकुर जी की कृपा से, सारा ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको 5-6 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा, बाद में टॉक्लेजुमैब इंजेक्शन भी सब उनको अवेलेबल हो गया वहीं पर। और अंकल को ठाकुर जी में स्टार्टिंग से ही पूरी भरोसा थी, मतलब कि ठाकुर जी में पूरा विश्वास है, वो रोज दिन सुबह शाम मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन करके उनसे फ़ोन पे मतलब ऑनलाइन ही लगातार सुबह शाम प्रार्थना करते थे, सुबह शाम ठाकुर जी का नाम जपते थे लगातार, इतना उसमें माहौल था। लेकिन दयाल की कृपा से यही थी कि उसमें इतना माहौल था कि डर लगा था अंकल के बारे में, क्या होगा नहीं होगा, तो ICU में था, ये पेशेंट का डेथ हो गया, उसका डेथ हो गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, मतलब जिस समय गया अंकल का क्रिटिकल कंडीशन था। लेकिन दयाल की कृपा से आज सब चीज़ ठीक हो गया, सब चीज़ अच्छा हो गया, उनका डायबिटीज़ बढ़ गया, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया, कोविड CT स्कैन में जो भी लंग्स का जो डिग्रेडेशन वाला सब चीज़ नॉर्मल हो गया, और ठाकुर की कृपा से अंकल सब चीज़ घर लौट के आ गए। तो हमारे जीवन में दयाल का होना बहुत ज़रूरी है, इष्टवृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है, यजन याजन इष्टवृत्ति बहुत जरूरी है, आप उनको यजन कीजिए, याजन कीजिए, नियमित रूप से इष्टवृत्ति कीजिए। हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए तो सब चीज़ पॉसिबल नहीं, तो कम से कम हम लोग के एज के लिए जो जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, उनको कम से कम इष्टवृत्ति ढंग से करना चाहिए। और कहा जाता है उसाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए, जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। आपको सुबह शाम इष्टवृत्ति के अलावा सिर्फ आपको ठाकुर का नाम जपना है, इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको समय मिल रहा है तो आप प्रार्थना कीजिए, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इष्टवृत्ति ढंग से कीजिए, इष्टवृत्ति कीजिए, 300 दिन इष्टवृत्ति ढंग से कीजिए, 300वां दिन इष्टवृत्ति को ठाकुर के नाम से चढ़ाइए। आप ठाकुर का दिन रात नाम जपिए। हम लोग के जीवन में भी ठाकुर, हमने 12 साल की अवस्था में ही ठाकुर जी से जुड़ गए हैं। ठाकुर को पकड़ने के बाद हमारे जीवन में जो भी हो रहा है सब ठाकुर की कृपा से मंगल ही हो रहा है, जैसा ऊंच नीच हो रहा है सब ठाकुर की दया से। बाद में पता लगा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता लगा ठाकुर जी की कृपा से जो हुआ, पहले अच्छा हुआ तो नहीं हुआ, अब हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। समय की पाबंदी है, ज़्यादा मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी जीवन की आवृत्ति आपको सुनाया है मैंने। लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी लोग ठाकुर से नहीं जुड़े, ठाकुर जी से जुड़िए। आपको इनमें, आप लोग तो खुद ठाकुर से जो लोग जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी की महिमा को जानते हैं, उनको दूसरे को याजन कीजिए, उनको दूसरे को बताइए, उनको स्तुति दिलाइए। बहुत लोग तो स्तुति लेते हैं, कुछ दिन के बाद उनको छोड़ देते हैं। उन जितनी जल्दी लोग स्तुति ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा छोड़ भी दे रहे हैं, तो उनको आप उनको अच्छे जाजन कीजिए, उनको समझाइए, स्तुति दिलवाइए, स्तुति ठाकुर से जोड़िए, एक परिवार बनिए। ठाकुर जी से जुड़ने के बाद आपको खुद एक प्रफुल्लित अनुभूति होगी कि हमारे ऊपर एक परमपिता का आशीर्वाद है, सब चीज़ जो हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है, सब चीज़ उनके ढंग से ही हो रहा है।
ठाकुर को जहां भी जाइए ठाकुर की प्रणामी देके जाइए, ठाकुर का आशीर्वाद लेके जाइए, और जितना हो सके अजप्पा जाप नाम कीजिए। आप जितना हो सके साधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर पाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम निष्ठावृत्ति कीजिए, नाम कीजिए, ठाकुर का अनुसरण कीजिए। मैं इतना ही बोल के अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय गुरु। वंदे लोकतिलकम सात्वतवार्तां विभूषणम् अमृतसारम् प्रबुद्धम् लोकजीवनम् प्रणयप्रणत्यागदीपनम् वंदे जीवन जीवनम् सत्पुरुषम्। जो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अंकुर चंद जी के जुगल चरणों में कोटि शह नमन एवं जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा वर्मा के श्री चरणों में कोटि शह नमन, परम पार और श्री श्री वरदा के श्री चरणों में कोटि शरण, वर्तमान चार देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में कोटि शरण, ऑनलाइन सभी ऋतिक देवता अधर्यु जाजक स्वस्थनी वर्धारी एवं सभी गुरुमा गुरु बहन गुरु भाई को यथायोग जय गुरु। आज बड़े ही भाग की बात है कि हम लोग ठाकुर अंकुर चंद जी के सत्संग में संवेद है, और ठाकुर जी इस संसार में मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए आए हुए हैं, मनुष्य के रूप में भगवान हैं, भगवान के रूप में आए हुए हैं। ठाकुर जी मेन मेकिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं कि सुंदर मनुष्य किस तरह से बने। उनका एक ही चिंतन, एक ही मनन था कि मनुष्य सुंदर कैसे बने, इसलिए उन्होंने कहे टका प्राय मानुष अपना शक्ति भर मानुष को धरना। आज लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं, मनुष्य ही सबसे बड़ा दौलत है। एक मनुष्य को खोते हो तुम लाखों लाख खो देते हो, इसलिए मनुष्य को नहीं खोना है। इसलिए मनुष्य से ज़्यादा प्रेम करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मार्गदर्शन दिए, उन्होंने 80,000 वाणियों भी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए दिए। उन्होंने सत्यानुसरण ग्रंथ का को अपने हाथों से लिखे, वह भी मनुष्य को के सुधार के लिए। उन्होंने नारी नीति जिसमें 180 वाणियाँ नारियों के सुधार के लिए दिए हुए हैं। ठाकुर जी गुरुओं के गुरु हैं, ठाकुर जी डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, ठाकुर जी ऋषियों के ऋषि हैं, ठाकुर जी संसार के में जो है सर्वोपरि है। ठाकुर जी कह भी गए हैं कि मैं जो देकर जा रहा हूँ, उन्होंने आचार पद्धति को दिए और कह के गए यह 10,000 वर्ष तक मैं मेरा यह सनातन धर्म चलता रहेगा। वंदे लोकतिलकम सात्वतवार्तां विभूषणम् अमृतोत्सारणम् प्रबुद्धम् लोकजीवनम् प्रणयप्रणत्यागदीपनम् वंदे जीवन जीवनम् सत्पुरुषम् वंदे परम प्रेमय श्री ठाकुर अंकुर चंद जी जगत जननी श्री गौरमा परम पूज्यपाद श्री वरदा वर्तमान आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग से जुड़े सभी गुरु भाई और माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज ये खगड़िया मंदिर का उत्सव में मुझे आमंत्रण मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे ठाकुर जी की बातों को बोलने का मौका मिला, ये भी मेरा सौभाग्य है। वैसे तो मुझे मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एज ए डॉक्टर कुछ बोलने के लिए बोला गया। मैं एक डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं पिछले 12 साल से अपने खुद का प्रैक्टिस कर रहा हूँ पटना में। इसलिए मैं जो ठाकुर जी को पकड़ के मैंने अपने जीवन में या अपने एज ए डॉक्टर मैंने क्या चीज पाया और क्या फील करते हैं, उसी चीज को हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी का एक जो स्वस्थनी व्रत का विधान है, उस चीज को हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि
जो लोग सस्तेनी दीक्षा जिनकी हुई है शायद उन लोग जरूर इस चीज को जानते होंगे कि सस्तेनी व्रत का जो पहला नियम है, जो पहला लाइन है, उसी में ठाकुर जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में ही बोला है कि शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र विवेचना कर स्वास्थ्य के नियमों का जो पालन करना, जिससे कि शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बना सके। तो ठाकुर जी ने, आप सब लोग जैसे जानते हैं कि ठाकुर जी भी एक डॉक्टर एज मतलब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और डॉक्टरी की शुरुआत की, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मनुष्य का जो बीमारी है शरीर से ज्यादा मन बीमार है लोगों का। फिर ठाकुर जी ने ये डॉक्टरी को छोड़कर फिर सत्संग की स्थापना की। मतलब ऐसे समझिए कि डॉक्टरी को छोड़ना तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने मन को ठीक करने के लिए उन्होंने चीजों को बताया। तो लेकिन सस्तनी व्रत में ठाकुर जी ने इस चीज को सबसे पहले प्राइम बताया कि हाँ, शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र समझना है, शरीर को एक मंदिर के समान समझना है और उसके जो स्वस्थ रहने के जो नियम है उसको पालन करना है। तो ठाकुर जी ने शरीर को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। तो एज ए डॉक्टर, मैं एक डेंटिस्ट हूं, तो मैं थोड़ा अपने डेंटल चीजों को आप लोगों से, डेंटल रिलेटेड चीजों को ही आप लोग से, सदाचार के बारे में जो ठाकुर जी बताया है शारीरिक और मानसिक, तो शारीरिक सदाचार में भी बॉडी का बहुत डिफरेंट पार्ट है, उसमें भी एक दांत जो होता है डेंटल पार्ट, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे शरीर का हर पार्ट एक दूसरे से जरूर जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है कि हाँ, एक चीज खराब होने से बाकी दूसरा चीज पे असर पड़ता है, वैसे ही डेंटल में डेंटल का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। डेंटल सदाचार नहीं रहने से, अगर आप का दांत अगर स्वस्थ नहीं रहे तो उससे आपके शरीर पे बहुत असर पड़ता है। तो दांत डेंटल के बारे में हम आपको बेसिक से थोड़ा बहुत बेसिक चीज जो हम को रिलेट करते हैं ठाकुर जी के चीजों को, वो जो समझा है मैंने, उस चीज को हम आपसे शेयर करेंगे कि जैसे सबसे पहले हम तो ये जाने कि यहाँ दांत की जरूरत हमारे लिए क्या है, डेंटल दांत का मेन काम क्या है हमारे शरीर के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने, तो सब तीन मेन काम है दांत का, कि खाना चबाने के लिए दांत चाहिए, दूसरा है कि बोलने के लिए भी दांत की जरूरत है, और तीसरा और ये लुक, मतलब एस्थेटिक लुक, दांत रहने से चेहरे का भी लुक अच्छा रहता है। तो ये तीन बेसिक मेन काम है कि हाँ, खाना चबाने के लिए, बोलने के लिए और लुक के लिए। तो हमको दांत को स्वस्थ रखना है। तो दांत को स्वस्थ रखने के लिए जनरली क्या होता है, दांत संबंधी जो बीमारी है दो तरह की होती है। एक होता है दांत का सड़न, मतलब दांत जो में कैविटी होता है, दांत सड़ता है, और दूसरा जो बीमारी होती है दांत के आसपास का मसूड़ा खराब होता है, जिसकी वजह से दांत अगर हेल्दी भी हो तो वो हिलकर, दांत हेल्दी है लेकिन वो हिल रहा है, दांत में सड़न नहीं है, वो टूट जा रहा, गिर जा रहा है हिल के। तो इस चीज को मैंने अभी, मतलब इस चीज को भी मैंने समझा, ठाकुर जी के जो कॉन्सेप्ट है उससे कोरिलेट करके मैंने देखा डेंटिस्ट को भी। तो मैंने देखा कि जैसे ठाकुर जी ने बताया है ना कि सबको बचाना अपने बचना, इसको ही धर्म समझना। तो मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, तो मैं सोचा कि अरे कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। डेंटिस्ट्री में हम देखते हैं कि दांत अगर हम खुद स्वस्थ ठीक रहे और आसपास का एरिया ठीक नहीं रहे तो भी हम मेरा ज्यादा लाइफ मतलब सेफ नहीं है। तो मैं इस चीज को कोरिलेट कर रहा था कि हम अगर दांत को ही, मुंह में का जो दांत होता है, अगर दांत स्वस्थ है लेकिन आसपास का एरिया अगर मसूरा, अगर बोन, जिससे क्या होता है टूथ जो है, टूथ का जो दांत का जो रूप होता है वो एक सॉकेट में होता है चारों तरफ से,
अगर ये सॉकेट सही रहेगा तो दांत हिलेगा नहीं। तो मैं इस चीज को ठाकुर जी के ही कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करके एक दिन सोच रहा था कि अरे कितना मतलब ठाकुर जी ये जो कॉन्सेप्ट दे सबको बचाना अपने बचना, मतलब कि आपका एरिया आसपास का एरिया दूध के जो सॉकेट है सॉकेट जो सिस्टम मतलब कि सराउंडिंग सराउंडिंग अगर बढ़िया रहेगा तो दांत लंबा चलेगा। तो मतलब खुद दांत को भी साफ रखना और उसके आसपास के एरिया को भी साफ रखना है, तब आपका डेंटल स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये मेरा एक पर्सनल फीलिंग है, मैंने बोला ना कि मैंने ये चीज अभी ऐसे ऐसे कुछ दिन पहले हम अचानक बैठे बैठे इस चीज को सोच रहे थे कि हाँ ये ठाकुर जी को जो चीज को अगर लेके चलते हैं तो हर चीज में आप ठाकुर जी के बताए हुए चीजों को हर क्षण आप फील करेंगे कि हाँ ठाकुर जी ने हर चीज के बारे में इतना बेसिक चीज दिया है कि उसको कोरिलेट किया जा सकता है। तो मैंने ये अपने डेंटिस्ट्री को इस चीज से कोरिलेट किया कि हाँ दांत को स्वस्थ रखना और उसके आसपास के भी एरिया को स्वस्थ रखना, इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम दोनों चीज को कैसे ठीक रखें। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि ब्रश करना चाहिए, लेकिन ब्रश करना तो अच्छी है लेकिन सबसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप रात में सोने से पहले ब्रश करें, ये ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारे मुंह में सलाइवा जो थूक नहीं बनता है, और जनरली क्या हो जाता है सलाइवा जो है हमारा उस सलाइवा की वजह से ही हमारा दांत का सफाई होता है। अगर बढ़िया से थूक बने तो वो क्या करता है हमारे दांत के और दांत के आसपास के एरिया को वो साफ करता है। तो दिन में हम जगे रहते हैं तो हमारा सलाइवा बनता रहता है, और सलाइवा जो होता है उसका पीएच जो होता है पीएच लेवल जितना ज्यादा रहे उतना कम बैक्टीरिया अटैक करेगा हमारे दांत के और मसूड़े के आसपास का। तो इसलिए सलाइवा बहुत जरूरी चीज है। तो हम लोग जब रात में सोते हैं तो उस समय हमारा सलाइवा नहीं बनता, तो सलाइवा नहीं बनने से कि रात में ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है मुंह का, और उससे क्या होता है वो हमारा जो मुंह का अंदर जो बैक्टीरिया खाना खाने के बाद जो भी कुछ खाना चिपका हुआ रहा और उस बैक्टीरिया को वो अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और वो दांतों के मसूड़े के चरण को वो बढ़ा देता है। इसलिए रात में खाना खाने के बाद मतलब सोने से पहले मतलब कि ब्रश करने के बाद फिर कुछ नहीं खाना है, ऐसा एक हैबिट होना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ डेंटल सदाचार, जैसे कि हम लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे हैंड सैनिटाइज करते हैं साफ कपड़ा पहनते हैं नहाते हैं, उसी तरह से दांत को स्वस्थ रखने का ये एक बेसिक चीज है कि जो हम एक्सपीरियंस किए हैं वो हम आप लोगों के डेंटल प्रैक्टिस में हमने जो एक्सपीरियंस किया वो शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक चीज है कि हम रात में ब्रश करके सोने से हमारा वो एरिया जैसे कि ब्रश इसलिए करते हैं जैसे कि सलाइवा तो रात में आएगा ही नहीं ये तो हम आपने आपको बताया, लेकिन जो खाना चिपका हुआ रहेगा अगर एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। इसलिए अगर हम ब्रश करके सोते हैं क्लीन करके सोते हैं तो बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा, चाहे एनवायरनमेंट एसिडिक कितना भी हो तो वो दांत या मसूड़े को सड़न को रोकेगा। तो ये एक बेसिक चीज है वो हम आप लोगों से शेयर किए। तो ये एक डेंटल सदाचार मैं हम एज ए डेंटिस्ट आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरा चीज हुआ कि जैसे कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जैसे कि दांत जो सड़ता है वो जनरली देखा गया है कि खाना फंसने से दांत सड़ता है, तो वैसा चीज जो कि दांत में फंसता हो ज्यादातर हम ये मेरा पिछला जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है वो हम बता रहे हैं कि ये भी एक ठाकुर जी के नियम के अनुसार ही बड़ा ही इसको कोरिलेट करके देखते हैं कि ठाकुर जी ने निरामिष भोजन मतलब कि वेज चीज खाने के, कि हम जो फील किए हैं कि नॉन वेजिटेरियन में वो ज्यादा रेशेदार चीज होता है और वो खाना जाके ज्यादा फंसता है और वो
जहां ज्यादा खाना फंसेगा वो दांत सड़ेगा या मसला सड़ेगा। तो ये भी एक पार्ट ऑफ सदाचारी है कि आप खाने में वैसा चीज यूज करें जिससे कि वो दांत में फंसे नहीं, चिपके नहीं। तो जनरली वेज में देखा जाता है कि वो कम फंसता है, कम चिपकता है। चिपकता है तो है ही, जैसे कि आप आजकल जो खाने का जो क्वालिटी हो गया, जैसे कि ब्रेड आइटम हो गया, चॉकलेट आइटम हो गया, चिपकने वाला चीज हो गया, तो इससे भी दांत खराब होता है। और एक और चीज देखा है कि जो नॉनवेज होता है वो भी बहुत ज्यादा खाना फंसने की वजह से मसूड़ा में वो नुकसान करता है। तो इसको भी मैंने देखा कि हाँ, एक वेजिटेरियन का कंपेयर करते हैं, एग्जैक्टली इसका डाटा तो नहीं है मेरे, लेकिन हम एज ए ठाकुर जी का चीजों को लेके चलते हैं, तो हम इस चीज को बोले ना कि हर चीज में ठाकुर जी के चीजों को रोल को रिलेट करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि एक नॉन वेजिटेरियन का दांत खराब होने का मेन वजह यही है कि वो बहुत फंसता है, वो उसका रेशा जो है दांतों के बीच में फंसता है, तो उससे भी दांतों का सड़न ज्यादा होता है। तो हम खाने की क्वालिटी को भी सुधारने का कोशिश करें, या नॉनवेज खाते हैं जो लोग वो विशेषकर ध्यान रखेंगे कि दांतों के बीच जो फंस रहा है उसको निकाले, तो उसमें भी रात वाला ब्रश उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं दांतों की सफाई करने के लिए, जैसे डेंटल फ्लॉस एक तरह का जो धागा आता है उससे आप दांतों की सफाई करें। जैसे कि नॉर्मल ब्रश से क्या होता है कि हम सबको साफ नहीं कर पाते, सब एरिया क्लीन नहीं होता, तो एक डेंटल फ्लॉस आता है ये हुआ। और भी बहुत सारे चीज है, डेंटिस्ट्री तो ऐसे तो बहुत कुछ है, जो बेसिक बेसिक चीज जो हम मुझे लगा कि जो बताना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से एज ए डॉक्टर और ठाकुर जी के चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो ये कोरिलेट करके चले जीवन में हर चीज में। हम एक डेंटिस्ट के तौर पे नहीं कर रहे हैं, हम एक आम आदमी जो है हर काम करता है उसमें अगर ठाकुर जी के चीजों को लेकर चलता है तो वो बड़ा ही आसान होता है। तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बाकी जो कुछ आप मेरे से कुछ अगर कुछ भी ऐसा कुछ समझ पाए, सीख पाए तो उसके लिए धन्यवाद, और कुछ अगर नहीं समझ पाए, अगर मुझे बोलने में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ करेंगे। और इतना बोलकर हम अपने वक्तव्य को शेष करते हैं, ठाकुर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों का मंगल हो, जय गुरु, जय गुरु। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग ठाकुर जी का को ग्रहण करके और उनके निर्देश को पालन करने करके हम लोग आज अपना जीवन को शांति से, आनंद से जी रहे हैं। ठाकुर जी धर्म का सीधा मतलब बताए हैं, अपने बचना सबको बचाना। हम लोग को सबसे पहले अपने बचने का जो पथ है उसको समझने का ज़रूरत है। अपने बचने के लिए ठाकुर जी हम लोग को पांच नियम का जो पालन है उसको करने के लिए बोले हैं, वो है यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्थैनी और सदाचार। आज सदाचार के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सदाचार पालन जो हम लोग शारीरिक सदाचार, हम लोग कैसे साफ सफाई पे ध्यान दें, ये हम लोग कुछ पिछले कुछ दिनों से कोविड के आने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह जान गए हैं। ये साफ सफाई घर में कैसे हम लोग को साफ सफाई रखना है, खाने पीने में कैसे ध्यान रखना है, क्या खाना है, हाथ कब धोना है। ठाकुर जी चिट्ठी भी पढ़ते थे तो साबुन से हाथ धो लेते थे, इसीलिए हम लोग को कितना ज़रूरी है साफ सफाई,
ये हम लोग को कोविड आने के बाद हम लोग सब लोग जान गए हैं और वो बात जाने हैं जो ठाकुर जी बहुत पहले हम लोग को बता चुके हैं। सदाचार पालन में दूसरा है मानसिक सदाचार, जो हम लोग जिसको हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग ज़्यादातर दिमाग से ही बीमार होते हैं। हमारा दिमागी हम जो सोचते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो ठाकुर जी हमारे मानसिक सदाचार पे बहुत ध्यान देने का ज़रूरत बोले हैं। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक सदाचार में आता है, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ठाकुर जी बोले हैं हमेशा सच्चिंता में अपने आप को न्यस्त रखना चाहिए और हमेशा किसी में भी सु देखने का कोशिश करना है, अच्छा देखने का कोशिश करना है। जब भी किसी में कु देखने का नज़र में आए, कभी भी किसी में बुराई देखने का जब भी दिमाग में आए, तो उसे तुरंत हम लोग को अलर्ट हो जाना है कि नहीं, इस उस समय हमले आप हम लोग को संभाल लेना है। क्योंकि जब हम लोग जो देखते हैं वैसा ही होते हैं, वैसा ही बनते जाते हैं। अच्छा देखते होंगे, अच्छा देखने से अच्छा बनेंगे, बुरा देखने से बुरा बनेंगे। हमारा सोच अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से अपने आप को निकाल लेते हैं। सोच को पॉजिटिव करने का ज़रूरत है। ठाकुर जी बोले हमेशा पॉजिटिव रहना, अपने आप को रखना है। ऐसा हो गया कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। इसीलिए हम लोग को हमेशा दिमाग से पॉजिटिव सोचना है और मानसिक सदाचार से ही हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। जीवन हम लोग का जो ठाकुर जी की दया से हम लोग को ये जो जीवन मिला है ये कोई खेल नहीं है और इसको हम लोग को बहुत ही नियंत्रित करके जीने का ज़रूरत है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो भी जीवन में हम लोग को अशांति आता है, कुछ भी आता है, चाहे वो पारिवारिक अशांति हो या शारीरिक कोई भी रोग हो, जब हम लोग उसमें खुद को जब हम लोग देखते हैं, खुद को जब हम लोग टटोलते हैं, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं भूल हुई है जिसकी वजह से आज अशांति या रोग हमें इतना रोग का आक्रमण हमारे ऊपर हो गया है। हम लोग छोटा छोटा बीमारी को हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं जो बाद में बड़ा हो जाता है। आज के समय में एक डॉक्टर होने के नाते मेरा सलाह है कि कुछ छोटा भी परेशानी हो तो आप लोग तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जैसे माँ लोगों को घर में देखा जाता है कि अक्सर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी का लक्षण है अचानक शरीर का फूलना, थकावट होना और दिल का धड़कन का बढ़ जाना, ये सब खून की कमी का लक्षण है। अगर ऐसा लक्षण होता है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह हम लोग को लेना चाहिए और इसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खून की कमी बहुत सारा बीमारी को का कारण भी हो सकता है, बहुत सारा बीमारी का कारण होगा। इसलिए किस वजह से खून की कमी हो रही है इसको हम लोग निकालेंगे, इलाज उस दिखा डॉक्टर से सलाह लेके इसका हम लोग कारण का पता करके तुरंत इलाज कराना चाहिए। और कुछ बीमारी है जैसे
महामारी खत्म होने के बाद फिर से खून गिरना ये सब भी नज़रअंदाज करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बहुत सतर्क रहने का ज़रूरत है हर चीज़। हम लोग अस्वस्थ होते हैं तो कैसे हम लोग को सावधानी बरतना है और कैसे हम लोग को स्वस्थ होना है ये भी एक जो नियम है, एक जो हमको ठाकुर जी का जो निर्देश है उसका हम लोग जब पालन करते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि बीमारी स्वस्थ रहने के लिए और बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। हम लोग को बहुत सतर्क रहने का ज़रूरत है। एक डॉक्टर होने के नाते हम लोग हमेशा सतर्क करते हैं पेशेंट को या माँ लोगों को कि कहीं भी असावधानी ना हो। आजकल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक आम परेशानी है, आम बीमारी हो गया है। इस बीमारी के लिए कोई भी एज नहीं रहा, इसीलिए हम लोग को ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए क्योंकि बीपी अगर हमेशा बढ़ा रहेगा तो बहुत सारा अंदरूनी परेशानी आता है जो घातक हो जाता है। ब्लड शुगर हम लोग को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और हमेशा ठाकुर जी को लेके चलने चाहिए। से हम लोग को कहाँ 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 सतर्क होने का ज़रूरत है ये हम लोग को पता चलते रहता है। हम लोग जब हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं खुद अपने अपना जीवन को ठाकुर जी के अनुसार लेके चलने के बाद हम लोग शांति से जब जीते हैं तो ज़रूरी होता है अपना परिवेश को भी ठीक रखना। आस परिवेश सब लोग कैसे स्वस्थ रहे इसका भी ध्यान देने का ज़रूरत है क्योंकि वो अगर स्वस्थ नहीं होंगे, वो अगर बीमार रहेंगे तो वो हमें भी संक्रमित कर सकते हैं। और आस परिवेश स्वस्थ और शांति कैसे बना रहे इसका भी हम लोग को ध्यान देने का ज़रूरत है। हम लोग जो हमारा जो डिसिप्लिन है जीवन का ठाकुर जी को लेके उसका पालन करने का ज़रूरत है। हम लोग को ठाकुर जी बोले हैं इष्टवृत्ति करने का जो समय है उसी समय में इष्टवृत्ति करना है, सूर्योदय के पहले जिस समय उस वक्त हम लोग को ठाकुर जी को आवाहन करके नाम ध्यान करके हम लोग ठाकुर जी को इष्ट भोग लगाते हैं। उसके बाद हम लोग ठाकुर जी का जो प्रार्थना का जो समय है हम लोग प्रार्थना करते हैं और दिन भर हम लोग ठाकुर जी से ट्यून्ड रहते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं नाम करते हुए और ठाकुर जी को हमेशा मस्तिष्क में रख के चलते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा अनुभव होता है कि कभी भी त्रुटि होने का जो चांस होता है वो नहीं होता है और कभी गलती होती भी है तो हम लोग उसको तुरंत सुधार भी करते हैं कि इस जगह ठाकुर जी का जो नियम है इसके विरुद्ध हम लोग चले हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और ये जो डिसिप्लिन है जीवन में दिन भर ठाकुर जी को लेके चलना, पेशेंट भी देख रहे हैं तो ठाकुर जी को लेके चलना कि भाई ठाकुर जी कैसे बोले हैं पेशेंट से बात करने के लिए, कैसे बोले हैं उसका इलाज करने के लिए और उससे उसको इलाज करते हुए खुद को कैसे बचाना है उसको पालन करते हुए हम लोग जब शाम होता है तो फिर हम लोग शाम का प्रार्थना करते हैं। और जब हम लोग घर में जो भी काम है हम लोग का खाना बनाना, सबको खाना खिलाना और उसके बाद हम लोग उस जब हम लोग सोने जाते हैं तो फिर ठाकुर जी का को ध्यान में करके फिर हम लोग सोने जाते हैं। ये जो हमारा डिसिप्लिन हो जाता है जीवन का ये हम लोग के जीवन को धीरे धीरे सुंदर बनाते चला जाता है। और हम लोग का ये जो अभ्यास है ये करते करते हम लोग में हम लोग का जो जीवन है हम लोग का जीवन सुंदर भी होता है और हम लोग को
ऐसा लगता है कि पता भी नहीं चलता है, कुछ लाइफ में कुछ चेंज आता रहता है, और जो हम ऐसा लगता है कि हम लोग ठाकुर जी सौभाग्य से हम लोग को कैसा नियम बता दिए कि हम लोग का जीवन अनायास ही डिसिप्लिन में और नियंत्रित होते चला जाता है। और ये बैलेंस जो जीवन है इसको हम लोग ठाकुर जी की दया से हम लोग उपभोग करते हैं, और लगता है कि ठाकुर जी कितना ज़रूरी है जीवन के लिए। ठाकुर जी का ऐसा कोई वाणी नहीं है जिसको हम लोग हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। हम लोग जब उसको समझते हैं और जीवन में जब हम लोग उसको करते हैं तो पता चलता है कितना ज़रूरी है ठाकुर जी का जीवन में होना। हम लोग हमेशा हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अगर ठाकुर जी जीवन में नहीं होते तो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसा होता। और आज उनकी दया से हमारे पिछले जन्म के कितना शुभ कर्म, हमारे पूर्वजों का कितना शुभ कर्म था जो ठाकुर जी मिले, और हम लोग आज सब लोग ठाकुर जी को उपभोग कर रहे हैं। और सिर्फ खुद उपभोग नहीं कर रहे हैं, लोगों को ठाकुर जी से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, और ठाकुर जी का कितना ज़रूरत है जीवन में वो हम लोग सबको बता रहे हैं, और लोग ठाकुर जी से जुड़ भी रहे हैं। ये हमारे ऊपर ठाकुर जी की दया है। और जीवन को हम लोग को खेल समझ के नहीं चलना है, इसीलिए बहुत सावधानी, बहुत सतर्कता, बहुत नियंत्रित करने का ज़रूरत है। थोड़ा भी आज के समय में हम लोग थोड़ा भी किसी भी बात को नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत सारे परेशानी से हम लोग घिर जाते हैं। इसीलिए हर वक्त हम लोग को ठाकुर जी को मस्तिष्क में लेके चलने का ज़रूरत है, और चलते रहने से हमारा जीवन ऐसे ही सुंदर और हम लोग स्वस्थ और अंदर से आनंदित रहते हैं। ये हम लोग सब लोग इस बात को अनुभव कर सकते हैं और अनुभव कर भी रहे हैं। और इसी बात से आप लोग को इस बात को हम लोग विराम देते हैं, इस चर्चा को विराम देते हैं। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी से श्री वर्मा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद से श्री बड़दा के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो हम लोग आज अटेंड कर रहे हैं, इसका मूल विषय है जीवन। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो जीवन के लिए, लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, सत्ता के लिए। ठाकुर जी कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो ये देखो कि वो सत्ता स्पर्शी है या नहीं, जीवन स्पर्शी है या नहीं। अगर वो कार्य जीवन स्पर्शी है तो उस कार्य को करना है, नहीं है स्पर्शी है तो उसको फिर से खंगाल के देखने की ज़रूरत है। हम सब जीवन जीने के लिए, मनुष्य जीवन जीने के लिए तरह तरह की चीज़ों को करता है, और जिसे ही हम लोग कैसे अच्छे से निरोग रहें, स्वस्थ रहें, डिजीज़ फ्री रहें, और आगे हम अपना ग्रोथ कैसे करें, हमारे अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को बचाए कैसे रखें, इसी की पद्धति की पढ़ाई को चिकित्सा शास्त्र ने तरह तरह से इसको खंगाला है, खोजा है, और एक एप्लीकेशन हम लोग उसका अपने जीवन में करते हैं। कहा गया है शरीर माध्यम ही खलु धर्म साधनम। तो धर्म यानी बचने बढ़ने की नीति के लिए हमें सबसे पहले शरीर का रहना ज़रूरी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो बनावट है एक मनुष्य का,
वो है शरीर, मन और सोल, बॉडी माइंड एंड सोल। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा आहार, हमारा विहार यानी रोज मेरा घूमना टहलना ये सब कैसा है, मेरा आचार आचरण और शरीर के साथ साथ पैरेलल में मेरे मन पर का शरीर पर क्या असर होगा एंड वाइस वर्सा शरीर का मन पे क्या असर होगा, इन दोनों चीज़ों को देखना होगा। और तब आता है सोल के विवर्तन की बात, सोल के इवोल्यूशन की बात। ये तीनों स्तर पर हमें अपना एक इसको कहते हैं अटैक कहिए या इसको एक इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर खंगालने की ज़रूरत है। तो शरीर के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत होती है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट ये पूछते हैं कि किसी एक बीमारी के हो जाने के बाद कि डॉक्टर साहब हम खाना क्या खाएंगे, ये आम परेशानी है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन है, थायराइड की बीमारी है या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, फैटी लीवर की परेशानी है, सारी परेशानियों में एक ही चीज़ सारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप तेल मसाला खाना कोई भी खाना नहीं खाएं, कोई भी बहुत रिच डाइट नहीं लें, ऐसा आहार लें जो सरल सुपाच्य हो, जो पौष्टिक हो, जो सुपाच्य हो। फाइबर रिच फूड को खाने में शामिल करें। फाइबर रिच फूड क्या हुआ, इसमें छिलके वाली जो चीज़ें हों, जैसे दाल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो छिलके वाली दाल यूज़ करें, चावल इस्तेमाल करते हैं तो जो जिसमें ब्रैन लगा होता है, जो इसको पहले लाल चावल कहते थे, वो बहुत उजला चावल, पॉलिश चावल, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स लॉस्ट हो जाते हैं। उसी तरह से जो फाइबर फलों का हम सेवन रोज करें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें जैसे सेब रोज ले सकते हैं, पपीता रोज़ खा सकते हैं, ये किसी भी तरह के डिजीज़ वाले लोग भी रोज ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ड्राई फ्रूट्स हम लोग खा सकते हैं कि नहीं, तो सारी बीमारियों में सारी तरह के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं तो डेट्स यानी खजूर और किशमिश से थोड़ा परहेज करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स नहीं लेंगे। इंडिविजुअल कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें कि कुछ खाना निषेध या वर्जित रहता है या फिर कम खाना है, वो व्यक्तिगत तौर पर अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे। स्पेशली जो मैं अगर वेज और नॉन वेज फूड की बात करूं, तो जो नॉन वेज फूड है, मीट, मछली, अंडा, मटन, कई बार कहा जाता है कि ये खाने से कमज़ोरी बहुत लग रही है, एक आम धारणा है कि ये खाएंगे तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ये एक भ्रांतिपूर्ण धारणा है। धारणा पूरी तरह से भ्रांतिपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी तरह के हमें पूरे शरीर को बचाना है, हमारे शरीर के किसी एक अंग को नहीं बचाना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आप नॉन वेज का मात्रा का सेवन करते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो अगेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट के पेशेंट हैं तो ये सारी परेशानी, स्पेशली अगर अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं या फ्लेश खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल या चर्बी होने की मात्रा बढ़ जाती है। येलो पार्ट जो होता है पीला का, अंदरूनी जो पीला हिस्सा होता है वो कोलेस्ट्रॉल रिच होता है और इन सब से यूरिक एसिड यानी जोड़ों में दर्द बढ़ जाती है। तो मिला जुला के अगर एक बात कहा जाए तो नॉन वेज से परहेज करना ही अच्छा है, इससे पहले कि डिजीज़ या बीमारी हम पर हावी हो और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को छोड़ें। जितना हम पहले संयमित रूप से कर सकें इसको, जितना कम कर सकें, जितना संतुलित कर सकें उतना अच्छा है। अगर खाते भी हैं तो उसको जो मिनिमाइज़ करके खाएं, अंडा का येलो पार्ट से परहेज करें, वाइट पार्ट ही सिर्फ लें और जितना कम हो सके फ्लेश की मात्रा, और इसके साथ फिर फाइबर फूड्स को बढ़ाएं। हम लोग कई बार खान पान की ये चीज़ों को तो कर लेते हैं लेकिन जीवन शैली में अपनी दूसरी चीज़ों का बदलाव नहीं करते। रिच फूड अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो बहुत उन लोग बहुत रिच फूड खाते हैं पर उनके एक दैनंदिन अभ्यास में एक चीज़ें होती हैं, वो है दौड़ धूप, वो है खेलना, जॉगिंग करना, ये उनके अभ्यास में है। जो हमारे भारत में ये अभ्यास बहुत कम है, हम लोग आजकल ज़्यादातर जो वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सिटिंग काम करते हैं, बैठे हुए, चाहे वो ऑफिस में हो, गाड़ी में घर से निकलते हैं सिटिंग वर्क कर रहे हैं, बाहर जहाँ भी जा रहे हैं बैठे हुए ही रह रहे हैं, तो चलने फिरने का हमारा अभ्यास कम है। तो इसी को हम लोग आजकल जितने भी तरह की बीमारियाँ हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़,
जीवन शैली में बदलाव कीजिए। डॉक्टर ने आपको सबसे पहला चीज़ इन सारी बीमारियों से अगर ग्रसित होते हैं तो आपको लिखते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी जीवन शैली में बदलाव। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव यही है कि मैं जो बैठा रहता हूँ इसमें मैं चलना का कोशिश करूँ, दौड़ना हूँ, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, ये दौड़ूँ। दूसरा बदलाव है हमारा खान पान। हम ऐसे खाने को खाएं जो पौष्टिक हो, ऐसा खाना खाएं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इसेंशियल हो। ये इंडिविजुअल भी होगा, एक व्यक्तिगत भी होगा और समष्टिगत भी होगा। एक परिवार के 4 सदस्यों का भोजन एक समान नहीं होगा। अगर एक परिवार में एक गर्भवती महिला है तो उसकी भोजन की खुराक या उसके भोजन की कैल्शियम की मात्रा अलग होगी, एक छोटे बच्चे के लिए अलग होगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अलग होगी। तो अनुपातिक डिफरेंस ये थोड़ा बहुत सब में होगा, लेकिन मूल चीज़ें ये हैं कि हम खाने में वैसी चीज़ों को खाएं जो सहज रूप से हमें पच सके, जो बहुत रिच या मसालेदार खाना ना हो। भर पेट खाना नहीं खाएं। खाना जब भी खाएंगे तो खूब गर्म खाना नहीं होना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोने जाएं, यानी खाने और सोने का जो गैप है वो 2 आवर्स का रहना चाहिए। रात को बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और आकर के तुरंत बिस्तर पर सो जाते हैं, या दिन में भी खाना खाते हैं सो जाते हैं। ऐसे लोगों को एसिडिटी की संभावना ज़्यादा रहती है, रिफ्लक्स की संभावना ज़्यादा रहती है। हमेशा कहेंगे कि गला जल रहा है, कंठ में कुछ ना कुछ अटक रहा है, तो इससे बचेंगे। ठाकुर जी की एक बात एक जगह मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में जो खाना अगर ऐसा खाते हो तो ऐसा करो कि हाफ प्लेट आधा खाना अनकुक्ड हो, यानी जिसको पकाया नहीं जाए, और आधा खाना वो होना चाहिए जो पकाना पड़े जिसको। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि 2-3 साल पहले आज से डायबिटिक पेशेंट के लिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ADA ने ये फॉर्मूला दिया, सेम फार्मूला जिसको हाफ प्लेट मील मेथड कहते हैं। ये मील मेथड क्या है? हाफ प्लेट कि आपके भोजन का आधा हिस्सा फल और सलाद से भरे और बाकी आधा पोर्शन जो भी आप खा रहे हैं उसका हिस्सा, उसका प्रोपोर्शन 50% ये हो और 50% रोटी, दाल, चावल, जो भी चीज़ें हैं, सब्जी सारे इसमें आए। तो मैं देखता हूँ कि ठाकुर जी इस सारी बातों को बहुत पहले ही कह के गए और हम लोग 2-3 साल पहले इसको मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट किया है और इसको प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा कि आप, क्योंकि कैलोरी कैलकुलेट करने में रोटी में इतना कैलोरी है, टॉफ़ी में इतना कैलोरी है, तो इससे अच्छा उन्होंने मेथड, जो प्रैक्टिकल मेथड बताया वो ये मेथड बताया ADA ने, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। तो हम लोग का जो एक अभ्यास है ठीक इसका उल्टा है। हम लोग खाने में अगर 3 रोटी खाते हैं, थोड़ा दाल, थोड़ा सब्जी, सब कुछ लेते हैं और एकदम थोड़ी सी मात्रा में कुछ सलाद या अंकुरित चना या मूंग या सेब होता है, वो 1 चम्मच या 2 चम्मच की मात्रा का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें प्रोपोर्शन चेंज करना है। खाने में इतना होना चाहिए कि पहले खाना खाने से पहले हमें अंकुरित चना या सेब या पपीता या फाइबर फ्रूट्स या हरी पत्तेदार सब्जी या जिसको हम लोग गाजर सलाद का एक पार्ट बोलते हैं, वो चीज़ों को पहले खाना है, बाद में मील खाना है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए। इससे थोड़ी बहुत भूख हमेशा लगी रहेगी और ये बनाए रखना ज़रूरी है। थोड़ी सी भूख बनाए रखेंगे तब फिर हमारा खाना पचेगा भी, और भूख लगने पर ही अगर हम जब खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर को यूटिलाइज़ करने में, पचाने में, लीवर पर भी हमारा लोड बहुत कम पड़ता है। ये हो गई मूलतः शरीर के स्पेशली खान पान की बात। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, ये लोग नियमित रूप से अपना शुगर जांच कराते रहें, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। जिनको डायबिटिक पेशेंट हैं वो साल में कम से कम 1 बार या 2 बार आँख और अल्ट्रासाउंड का जाँच जरूर कराएं, अल्ट्रासाउंड स्पेशली फॉर किडनी डिजीज़, और रेगुलर बेसिस पर HbA1c क्रिएटिनिन टेस्ट अपना करवाते रहेंगे जो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। कई बार अक्सर अज्ञानतावश या बहुत सारे जो अल्टरनेटिव थेरेपी आ गए हैं, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी मेथड हो, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसको लोग पालन करने में, जिसको पकड़ने के चक्कर में लोग इधर की दवा को छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये दवा बेहतर है या वो दवा बेहतर है,
हम जो भी करें एक डॉक्टरी सलाह के साथ करें, अपने मन मर्जी से बिना कोई रिपोर्ट देखे हुए कोई फैसला नहीं लें। ये अक्सर नुकसानदायक होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि शुरुआती लाभ तो मिलता है पर एक बार जब डिजीज फ्लेयर कर जाता है, पूरा हाथ पांव पसार लेता है, तो किडनी फेलियर के साथ या आंखों की रोशनी चली जाती है या पांव में जख्म हो जाता है और काफ़ी देर से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं तो हार्ट का रेगुलर फ्रिक्वेंट जो मॉनिटरिंग है वो कराते रहें, डॉक्टरी सलाह अपना लेते रहें। तो इतने जितने भी प्रकार के सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, सारे सिस्टेमिक डिजीज़ में आपको नियमित रूप से जो कुछ जांच हैं वो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जांच हैं, उनको कराते रहना है, संपर्क में रहना है। ये शरीर की बात हुई, पर दूसरी बात जो मन की बात है, वो मन को कैसे कंट्रोल रखें और शरीर से लंबे समय तक अगर हम बीमार रहते हैं, कई बार गोलियां खाते खाते बोलते हैं सर इतनी सारी गोलियां हम खा रहे हैं, खाते खाते ही मन खराब हो जा रहा है, मन लगता है कि इतना हम बीमार हैं और इसलिए कई बार दवा को छोड़ देते हैं। तो देखिए शरीर का रोगी शरीर कैसे मन को हमारा हाईजैक कर ले रहा है, तो वाइस वर्सा भी होता है। हमारा अगर मन खराब हो तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी खराब होने लगता है। जैसे ठाकुर जी के पास एक व्यक्ति ने कहा कि ठाकुर जी देखिए मेरा अक्सर कुछ ना कुछ बीमारी होते रहता है, कभी हाथ में झनझनाहट होती है, कभी पेट में जलन होता है, वो ठीक होता है तो दस्त ठीक हो जाता है, दस्त शुरू हो जाते हैं, दस्त खत्म होता है तो खांसी हो जाती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। ठाकुर जी ने उनसे पूछा तो बताया कि सारे जगह दिखा रहे हैं, डॉक्टर लोग ये दवा देते हैं, कुछ दिन तक ठीक होता है, मिला जुला के सारे लोग कहते हैं ठीक है, फिर ऐसा क्यों होता है? ठाकुर बोले कि तुम अपने मन को शरीर मुखी मत बनाओ, बार बार ये देखने की कोशिश मत करो कि क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है, जो परेशानी है उसको अलर्ट तो ज़रूर रहना है और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की तरफ ध्यान दो। खूब जोर से नाम करो, नाम और ध्यान मनुष्य का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और कई बार हम लोग अक्सर अपने इनसाइट में हमेशा खोजते हैं बीमारी को। ठाकुर जी जिस समय जब चिकित्सा करते थे तो उन्होंने पाया कि मैक्सिमम बीमारी का जो एक मूल कारण है वो है मन, मूल कारण है वो है अभ्यास, चरित्रगत अभ्यास। मैं एक पेट दर्द के लिए परेशान होता हूँ और पेट दर्द इसलिए है हमारा क्योंकि मेरा खान पान गलत है, मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूँ कुछ अच्छा तला छना समोसा देख रहा हूँ, मैं अपने वृत्तियों को काबू में नहीं कर पा रहा, मैं रोज़ जा कर के एक समोसा खा ले रहा हूँ, पेट दर्द शुरू हुआ उसके बावजूद भी मैं उसको खाने से रोक नहीं पा रहा, अच्छा चलो ना दो दिन तो ठीक हो गया, दो दिन दवा खाया, ये क्या है? मेरा अभ्यास। ये अभ्यास क्यों हुआ? क्योंकि हमारी वृत्तियाँ ने हमारे ऊपर काबू कर लिया है और वृत्तियों को मन हमारा खींच करके ले जा रहा है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ठाकुर जी ने जो दिया, वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए जो ठाकुर जी ने दिया वो है नाम ध्यान। नाम ध्यान करेंगे और हमारा मन ठीक रहेगा तो हमारा शरीर भी ठीक होगा। फिर वाइस वर्सा अगर हम कोरिलेट करते हैं तो खान पान से हमारा मन बनता गठित होता है। कहा जाता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, माने आहार स्वस्थ रहता है, खाना पीना अच्छा रहेगा तो सत्व शुद्धि यानी मन हमारा शुद्ध होगा और ऐसे व्यक्ति का मेमोरी पावर, स्मृति पावर, बहुत याद करने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो देखिए कैसे सब चीज़ इंटरलिंक्ड है, एक खाना जो हमारा शरीर बना रहा है, एक खाना जो हमारा मन बना रहा है, फिर मन से शरीर का कोरिलेशन, मन स्वस्थ रहने पर शरीर ठीक होगा, अगर शरीर बीमार भी पड़ता है तो हीलिंग जल्दी जल्दी से उठ जाएगा। उसी तरह से शरीर स्वस्थ रहने पर मन अगर दुखी भी होता है तो तुरंत हम आउट हो जाते हैं, तुरंत उससे बढ़ जाते हैं। एक ही खाना जिसका सेम कैलोरी वैल्यू हो, फर्ज कीजिए दाल रोटी चावल सब किसी को सामने में बहुत सुंदर ढंग से परिवेशित करके रखा गया, परोस के रखा गया और उसकी कैलोरी वैल्यू कुछ एक मान लिया कि 1200 किलो कैलोरी की का पूरा उसका एक वैल्यू है, अगर उसी खाना को किसी को पटक करके दिया जाए, गुस्सा में करके दिया जाए तो खाना का कैलोरी वैल्यू तो वही होगा किंतु वो खाना न शरीर को पुष्ट करेगा न मन को, खाने वाले को भी लगेगा कि क्या खिला रहा, तो इससे मन भी दुखी होगा शरीर भी, यानी खाने के में परिवेशन भी महत्वपूर्ण है। जो खाना बनाती हैं खास करके घर में जो महिलाएं, जो उनका जो भाव है वो भाव भी सूक्ष्म रूप में संचारित होता है।
तो आहार के देखिए कितने एस्पेक्ट हैं, हम लोग ज़्यादातर क्रूड एस्पेक्ट को जो दिखाई देता है उसको केवल पकड़ते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसको अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ठाकुर जी ने एकदम डिफाइन कर दिया है कि और सारी चीज़ें को इंटरलिंक्ड रखा है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आध्यात्मिक, इन तीनों के लिए हमारे, हम अगर ऐसा खाना खाएं जो हमारे मन की उत्तेजना को बढ़ाएं, ऐसा खाना खाएं जो हमें ध्यान करने के वक्त में बैठने नहीं दे, ऐसा खाना खाएं जिससे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो मैं शरीर से, मन से और सोल से, तीनों तरफ से मैं जला जाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी ने सात्विक, बिना लहसुन प्याज का खाना बोला है। स्वस्थैनी में हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं बिना लहसुन प्याज का खाना, क्योंकि लहसुन प्याज एक तामसिक प्रवृत्ति है, उसको खाने के प्रभु मन का जो एकाग्रता है वो थोड़ा छिन्न होता है, विक्षिप्तता एक अजीब तरह की आती है, चिड़चिड़ापन एक आता है, एसिडिटी फॉर्म होता है। स्पेशली ओनियन एंड गार्लिक, अगर हम लोग मेडिकल साइंस की बात करें तो रिफ्लेक्सोजेनिक होता है, हमेशा उसको लेने के बाद मुंह में बाइल या एसिड का मुंह में आने की संभावना रहती है, ये मेडिकली डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा अगर गर्भावस्था में जो लोग लहसुन की कली अगर लेते हैं, 3 से 4 कैलोरी का 4 कली जो उसकी अगर लेते हैं, तो वो कई बार एक एंटीऑक्सीडेंट तो है, उसका एक प्रॉपर्टी है, अच्छा गुण ये है, लेकिन उसकी बुरी ये परेशानी ये है कि वो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा देता है। और वैसी माँ अगर लहसुन का उस तरह से कली खाती हैं तो उसके बच्चे को हमेशा पेट दर्द होने की शिकायत रह सकती है, छोटे बच्चे को जो एक अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, यानी ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा चंचल हो, कोई काम वो अटेंशन नहीं दे पाता हो, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, तो वैसे संभावना है। मेडिकली ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, अभी तक ये बहुत डिफाइंड नहीं है कि लहसुन प्याज के विषय में, ओनियन गार्लिक के में कि कितना मिलीग्राम तक सेफ है या कितना मिलीग्राम सेफ नहीं है। कुछ एक स्टडीज़ हैं मेडिकल की जिन्होंने बताया 300 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक वो हार्ट को बचाता है, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है और एंटीऑक्सीडेंट, ये एक स्टडी में है। पर उसी का एक दूसरा पहलू ये है कि एक तरफ से तो आपको हार्ट को बचा रहा, पर दूसरी तरफ से वो एसिडिटी बढ़ाता है और पाइल्स की शिकायत का संभावना बढ़ जाती है उससे, ब्लीडिंग पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन की। और अक्सर हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट कोई खून पतला करने वाली दवा इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल लेते हैं, तो ऐसे में ये तो दोधारी तलवार की बात हो गई, एक तरफ से आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है यानी हार्ट को बचाने के, दूसरी तरफ से ब्लीडिंग बढ़ाने की संभावना, तो कितना डोज सेफ हो सकता है जिसमें कि ये इफ़ेक्ट हो और साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, ये अभी तक कोई क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं। और जहाँ तक एंटीऑक्सीडेंट या हार्ट को बचाने की बात है, वो बहुत सारे ऐसे उसके विकल्प हैं जिनमें ये साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो मेडिकली मैं ठाकुर जी की जो बात है बहुत सहज में ठाकुर जी ने कह दिया, बहुत सरल रूप में उन्होंने बता दिया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और इसको हम जितना हम निष्ठापूर्वक ठाकुर जी से युक्त होते हैं उतनी सरलता से हम इस सारी चीज़ों को अपने आचरण में ला सकते हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम जो चाहेंगे कि ये चीज़ें हम जान जाएँ और हम कर लें, ऐसा हो नहीं पाता है। धारणा के स्वरूप ज़्यादातर लोग देखते हैं, देख के धारणा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मेडिकल साइंस की ही अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस हैं होते हैं जिसमें कि क्या खाना उचित है क्या नहीं खाना उचित है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, फैटी फूड्स नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना जिससे हमारा जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है वो नहीं खाना चाहिए। पर जब भी इस तरह के कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते हैं तो मैं यही देखता हूँ कि जो इसको जानने वाले हैं, डॉक्टर हैं, कॉन्फ्रेंस में जो अटेंड कर रहे हैं, जो स्पीकर हैं, वो भी आते हैं और उसी तरह के खाना को खाते हैं जो फैट रिच हो, स्पाइसी हो, मसालेदार हो, और इनफैक्ट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी कई बार होता है। तो इसका मतलब मैं एक पॉइंट उजागर ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो जान रहा हूँ, जिसके विषय में मैं जान रहा हूँ, जिसके विषय में मैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जगह जगह बोल रहा हूँ, वो जानकारी मेरे जीवन को परिचालित नहीं कर पा रही। लेकिन अगर मेरी निष्ठा कहीं पर हो, मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को प्रेम करूं
मान लीजिए कि मैं पिताजी को प्रेम करता हूँ, मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं या मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं स्मोक करूँ, मैं सिगरेट पीऊँ, तो उनके प्रति मेरा प्रेम मेरे लिए काफ़ी होगा। मुझे फिर पूरी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि स्मोक करने से क्या क्या घाटा हो सकता है या मेरे शरीर पर किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो दिस इज़ पॉइंट, लव कैन कॉन्कर एनीथिंग। तब हर एक चीज़ों को, जो वृत्तियों के तहत मैं किसी के प्रति आकृष्ट हो जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता, उस वृत्ति को हाईजैक करना, उस वृत्ति को अपने काबू में लाने के लिए हमें इष्ट निष्ठा की ज़रूरत पड़ेगी, इष्ट प्रेम की जरूरत पड़ेगी। तो ठाकुर जी को केंद्र में रख करके अगर हम जब चलते हैं तो मेरा खान पान, मेरा आचरण, मेरा वृत्ति सब कुछ ऑटोमेटिक संयत होता चला जाता है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है शरीर के गठन की, मन के गठन की और आत्मा के गठन की। यही शरीर मन और आत्मा से मिलकर ही हम सब बने हुए हैं। तो ये मूल बात यही है ठाकुर जी की जो फिलॉसफी है, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तनी सदाचार, इसको हम कितना अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। मेडिटेशन के विषय में मैं दो लाइन में सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिकली ये प्रूव्ड है, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आधा घंटा 45 मिनट रोज़ नाम ध्यान करें, आस्मा के पेशेंट हैं, दम फूलने वाले पेशेंट हैं, डेली बैठे हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा। अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आती है, हमेशा सर में दर्द है, माइग्रेन है, यहाँ तक कि जोड़ की दर्द है, ये मेडिकली प्रूव्ड है कि जो लोग ध्यान करते हैं उनका जो इस सारी परेशानी कम रहती है। अगर वो दवा भी लेते हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, हम लोग हार्ट डिजीज़ में स्पेशली हार्ट फेलियर जो होता है DCMP बोलते हैं, या ऐसी परेशानी जिसमें ऑक्सीजन घटना शुरू हो जाती है, वैसे लोगों को कम ऑक्सीजन या कम दवा की ज़रूरत पर भी उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये मेडिकली बहुत सारी मेडिटेशन पर एक दुर्भाग्य भी है और ये हम लोग का सौभाग्य भी है कि मेडिटेशन के विषय में जानकारी हमारे देश से ज़्यादा आज विदेशों में इस पर रिसर्च हुआ है और मेडिकली एक प्रूव होकर चीज़ें आ गई। अब भी हम अगर इस चीज़ को अपना भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे, तो हमसे बड़ा हतभागा और कौन होगा। तो हमें अगर अपने शरीर के लिए की ओर ध्यान रखना है, मन की ओर ध्यान रखना है, तो ठाकुर जी जो दिए हैं यजन, यजन के तहत जो ये नाम ध्यान है, ये हमारा बहुत बड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक हथियार है, एक वेपन्स है। लड़ाई करना है जो जीवन का जो रण क्षेत्र है उसका एक बहुत बड़ा वेपन्स। दूसरा है प्रार्थना। प्रेयर करने से हमारे शरीर का जो कीमोकाइंस होता है, जो ऐसा कीमोकाइंस जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है, जो हमारा मूड को स्वस्थ ठीक रखेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं सुबह हम ठीक रहते हैं, शाम होते तो चिड़चिड़ापन रहता है। कई लोग बोलते हैं कि हमेशा मन में खिन्न रहता है और इस कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, इतना चलता है कि नींद भी नहीं आती। प्रेयर प्रार्थना जो लोग करते हैं और सामूहिक रूप से जो प्रार्थना करते हैं, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनको बार बार सर्दी होती है, उन लोग नियमित रूप से अगर प्रार्थना करें तो ये चीज़ें हट जाएंगे। इनफैक्ट कोरोना काल में प्रार्थना के ऊपर, नाम ध्यान के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए जिन्होंने ये बताया कि प्रेयर एंड मेडिटेशन कैन हील एनी डिजीज, स्पेशली लंग फेलियर में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी को किस तरह से मेडिटेशन दूर कर सकता है, कम दवाओं पर ही मरीज कैसे सुधर सकता है। तो ठाकुर जी ने हमें सारी चीज़ें दी हैं, हम सब उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अप्लाई करें और उसका लाभ उठाएं, अन्यथा ये तो हमसे पड़ी रह जाएंगे। जो इसको एक रत्न है, एक मनी हम लोगों के हाथ में लगा, मैं उसको कितना इनकैश कर पाता हूँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो हम सब आज इस कॉन्फ्रेंस में एक निर्णय लें, एक प्रतिज्ञा लें, एक संकल्प लें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने में आत्मसात करें। खाना पीना, उठना बैठना, उठने का समय, सोने का समय ठाकुर जी ने सब बताया है। सुबह सूर्योदय से पहले कैसे उठने की कोशिश करें, किसी भी समय अगर रात में देर तक चलते हैं तो दगते हैं तो उसको कंपनसेट हम कैसे करें। चलना फिरना आधा घंटा डेली वॉकिंग, खान पान का नियंत्रण, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ नि सदाचार, इतना का पालन करते चलें
जीवन रन में हमें कोई पीछे नहीं कर सकेगा। और जहाँ तक जो स्पेसिफिक डिजीज़ की बात है उसके लिए डॉक्टरी सलाह रेगुलर लें और उनके निर्देशों को माने। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को शेष करता हूँ। आप सभी के स्वस्थ एंड इष्टमय जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। अब आज ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस अपने अंतिम दौर पर है। आज जो हमारे समक्ष डॉक्टर ट्विंकल, डॉक्टर प्रिंस, डॉक्टर अमूल और डॉक्टर विवेक ने जो हम लोगों को जो मेडिकली किस तरह से आगे बढ़ना है, किन किन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, उन सब से अवगत कराया। हम सब इसका आज लाभ उठाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी किसी तरह की अगर मेडिकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ी तो हमारे समक्ष हमारे सारे डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। और अंत में सारे जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ आज इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आए हैं सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप सभी श्रोता, जितने भी लोग दर्शक, सभी लोगों को मेरा हार्दिक रानंदित जय गुरु। सभी लोग लाभान्वित हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मंगलमय जीवन व्यतीत करें। मैं अपनी शुभकामना मेरी तरफ से और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ठाकुर को लेकर के, हम सब ठाकुर को लेकर के एक जीवन को विवर्तन की तौर और इवोल्यूशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व करें। ठाकुर जी की जो नीति है वो है बचना और बढ़ना, सिर्फ बचे रहना नहीं, बढ़ना। हम बीमारी से सिर्फ बचे नहीं रह जाएं, हम बढ़ते चलें। यही वर्धन हमारी तपस्या का ही एक फल होगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमा।